हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो बिल्डिस चैप्टर नंबर 7 एशिया लोकेशन एक्सटेंट पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स बेटा हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एशिया वर्ल्ड में कहाँ पर लोकेटेड है फिर हम उसका एक्सटेंट देखेंगे कि किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड तक किस लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड तक हमारा एशिया फैला हुआ है फिर हम देखेंगे कितनी कंट्री है हमारे एशिया में फिर फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि भाई एशिया के नॉर्थ में क्या है माउंटेन्स कहाँ पर हैं प्लेन्स कहाँ पर है प्लेट्यूज कहाँ पर है ठीक है तो बेटा ये बात तो आप सबको पता है क्योंकि बहुत जब आप छोटे थे तब से हम पढ़ाते आ रहे हैं कि एशिया क्या है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपने क्लास फोर फाइव सिक्स में भी पढ़ा होगा एशिया क्या है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है एशिया है ये पूरे वर्ल्ड का जितना भी लैंड एरिया है ना उसका वन थर्ड अकेले किसने कवर कर रखा है एशिया ने अगर हमारी दुनिया के पूरे एरिया को हम ले लें तो उसमें से अकेले वन थर्ड एक तिहाई किसके पास है एशिया के पास है अब हम लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो बच्चा हमने अर्थ के ऊपर कुछ इमेजनरी लाइन बना रखी हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं या वेस्ट टू ईस्ट रन करती है उन्हें हम क्या कहते हैं लैटिट्यूड ठीक है ये हीट जोन को डिस्क्राइब करती हैं लैटिट्यूड्स का मेन काम क्या है बेटा हीट जोन को डिस्क्राइब करना फिर हमने ऐसे ही लॉन्गीट्यूड्स भी बना रखे हैं अर्थ पर जो पैरेलल्स नहीं होते हैं जो सेमी सर्कल्स होते हैं ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये डे एंड डेट को डिसाइड करते हैं ठीक है टाइम को डिसाइड करते हैं तो अब हम देखेंगे कि भाई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है हमारे एशिया का और लॉन्गीट्यूडनल एक्सटेंट कितना है हमारे किसका एशिया तो तो की बात करें तो ये 10 डिग्री साउथ से एट्टी डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है ये रहा इक्वेटर जिसे हम जीरो डिग्री कहते हैं इसके नीचे सदर्न हेमस्पियर है इसके ऊपर नदन हेमिसफेयर है तो नदर हेमस्फियर में ये टेन डिग्री से चालू हो जाता है एशिया और खत्म कहा पर होता है बेटा एट्टी पर मतलब यहाँ से जो स्टार्ट होगा इतना वास्ट एरिया किसके पास है हमारे एशिया के पास फिर से इक्वेटर के नीचे से स्टार्ट होता है इक्वेटर के साउथ वाला पार्ट सदर्न हेमस्फेयर होता है नॉर्थ वाला पार्ट नदन हेमस्फेयर होता है तो सदर्न हेमस्फेयर में ये टेन डिग्री से स्टार्ट होकर नदन हेमस्फेयर में एट्टी डिग्री पे ख़त्म होता है इतने बड़े एरिया में हमारा एशिया फैला हुआ है चलो ये तो हुई लाटीट्यूड्स की बात अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो बेटा ईस्ट में ठीक है ईस्ट में ये स्टार्ट होता है जैसे ये रही जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन ये रही जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन जैसे हम ग्रीन विच मीन टाइम भी कहते हैं यहाँ पर ये ट्वेंटी फाइव से स्टार्ट है सपोज करो ये ट्वेंटी फिफ्थ वाला लॉन्गिट्यूड है तो ये ट्वेंटी फिफ्थ से स्टार्ट है तो ऐसा घूम के पूरा वेस्ट में कहाँ तक पहुँचा है वन सेवेंटी वेस्ट तक पहुँचा है ठीक है कहाँ तक वन सेवेंटी वेस्ट अब आप लोग यहाँ पे तो नहीं समझ पाओगे क्योंकि हमें थ्री डी इमेज बनाना नहीं आता है तो जैसे ये समझो ये ज़ीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन है तो उसके ईस्ट में ये ट्वेंटी फाइव से अगर स्टार्ट होता है किससे स्टार्ट होता है ट्वेंटी फाइव से तो ये पूरा घूम के यहाँ तक कहाँ तक फैला हुआ बेटा वन सेवेंटी वेस्ट तक फैला हुआ है ठीक है स्टार्ट कहाँ से हुआ है ट्वेंटी फाइव ईस्ट से पूरा फैला कहाँ तक है वन सेवेंटी वेस्ट तक अब घूम के चले जाना आप लोग चलो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया कितना है फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो थ्री मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एशिया का एरिया कितना है 45.03 फाइव पॉइंट जीरो थ्री मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये जो कॉन्टीनेंट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं लगभग कितने फोर पॉइंट फोर एट बिलियन क्योंकि दुनिया की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है जिसमें से एक है इंडिया फर्स्ट नंबर पे आती है इंडिया और सेकेंड नंबर पे आती है चाइना तो इंडिया और चाइना दोनों ही कहाँ पर हैं बेटा एशिया में हैं क्या इतनी बातें क्लियर है ये जो कॉन्टिनेंट है ये मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं लगभग कितने लोग रहते हैं फोर पॉइंट फोर एट बिलियन लोग रहते हैं क्यों रहते हैं भैया क्योंकि दुनिया की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, है इंडिया और चाइना दोनों एशिया में ही हैं अब भैया अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया जो एरिया लेता है वो कितना है दुनिया का वन थर्ड पर इससे भी आगे जो पॉपुलेशन हमारे पास है वो वन फिफ्थ है थ्री फिफ्थ है वर्ल्ड की कितनी थ्री फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड अगर दुनिया में पांच लोग रहते हैं तो तीन अकेले ही रहते हैं एशिया में अगर पूरी दुनिया में तीन एरिया है तो एक अकेले किसके पास है एशिया के पास है क्या बात तो समझ में आ रही है हर पांच में से तीन व्यक्ति एशिया में रहते हैं चलो बहुत आउटस्टैंडिंग फ़ीचर्स हैं जोग्राफ़ी के भी एशिया में ग्रेट वराइटी डाइवर्सिटी है फिज़िकल कल्चरल इकोनॉमिक कैरेटरिस्टिक्स अलग अलग हैं ठीक है अगर हम एशिया को देखें तो बेटा इंडिया और चाइना को देखो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिख जाएंगे आप चाइना जापान को देखो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे आप इंडिया को अरेबियन पेनिनसुला से कंपेयर करो आपको डिफरेंस दिखते जाएंगे कल्चर कल्चर में डिफरेंस है फिजिकल फीचर में डिफरेंस है डाइवर्सिटी है वाइटी है तो आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं जोग्राफी के एशिया में इज अ ग्रेट वराइटी एंड डाइवर्सिटी इन फिजिकल कल्चरल इकोनॉमिकटरिस्टिक्स और इस वजह से इसे हम कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं ठीक है बात चलो पहले हम लोकेशन को पढ़ेंगे तो भाई चलो, लोकेशन की बात करते हैं कि अगर वर्ल्ड मैप को देख रहे हैं तो आपको एशिया कहाँ मिलेगा तो पूरा के पूरा एशिया सपोज करो ये अर्थ है और ये इक्वेटर है तो पूरा के पूरा एशिया कहाँ मिलेगा नदन हेमस्फेयर में और ईस्टर्न हेमस्फेयर में ठीक है बात नदन और ईस्टर्न हेमस्फेयर में अभी आप बोलोगे मैडम अभी तो आप वन सेवेंटी वेस्ट पे चली गई थी तो बेटा थोड़ा ही सा तो थो गई थी साउथ में भी गई थी तो टेन डिग्री साउथ थोड़ा ही सा तो थो गई थी बाकी मैक्सिमम पार्ट तो कहाँ पर है यहीं पर लोकेटेड है है ना तो ये कौन सा हेमोस्फेयर है नदन हेमोसफियर ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है नदन हेमोस्फेयर में और इसके इस साइड कौन सा हेमोस्फेयर होता है ईस्टर्न तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरा के पूरा एशिया ऑलमोस्ट हमने लगा दिया है नदन और ईस्टर्न हेमस्फेयर में अब ऑलमोस्ट क्यों लगाया क्योंकि हमारा एशिया टेन डिग्री साउथ से स्टार्ट होता है और ख़त्म होते होते ये कहाँ पर पहुँच जाता है वन सेवेंटी वेस्ट में बस छुटकू सा पार्ट वेस्ट में और छुटकू सा पार्ट साउथ में बाकी पूरा एशिया कहाँ पर है बच्चा मेरे पर है? ईस्ट में और नॉर्थ में अगर हम एशिया और यूरोप दोनों को मिला दें तो हमें कॉमनली क्या कहते हैं यूरेशिया इन दोनों को कंबाइन करके टुगेदर विथ यूरोप एशिया इज नोन एज यूरेशिया एशिया एंड यूरोप टुगेदर नोन एज यूरेशिया इन दोनों को सेपरेट करता है यूराल माउंटेन ठीक है सी वेस्ट में ककास माउंटेन साउथ वेस्ट में चलो अब हम देखेंगे हमारे एशिया को तो जो एशिया है इसके नॉर्थ में कौन सा ओशन है बच्चा आर्कटिक ओशन है ठीक है आर्कटिक ओशन कहाँ पर है नॉर्थ में एशिया के फिर जो पैसिफिक ओशन है वो कहाँ पर है ईस्ट में ईस्ट में मिलेगा पैसिफिक ओशन साउथ में क्या मिलेगा भाई इंडियन ओशन साउथ में क्या है इंडियन ओशन क्या इतनी बातें क्लियर हैं कि भाई हमारे एशिया के नॉर्थ में हमें मिलता है आर्कटिक ओशन ईस्ट में मिलता है पैसिफिक ओशन और नॉर्थ नॉर्थ में आर्टिक ओशन साउथ में इंडियन ओशन क्या इतनी चीजें क्लियर है बेटा आप लोगों को चले आगे चलो फिर से एक बार मैं रीड कर देती हूँ देख लो आर्टिक ओशन नॉर्थ में है एशिया के पैसिफिक ओशन ईस्ट में है और इंडियन ओशन साउथ में है चलो ये रहा हमारे एशिया का मैप दिख रहा है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक तो। थोड़ा सा पार्ट कहाँ पर भी मिलेगा हमें वेस्ट में थोड़ा सा पार्ट साउथ में अगर हम लैटिट्यूडनली बात करें एशिया की तो लैटिट्यूडनली ये एक्सटेंड करता है टेन डिग्री साउथ से एट्टी डिग्री नॉर्थ तक ठीक हुई बात और इसका ईस्ट वेस्ट डिफरेंस आ जाता है नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड किलोमीटर ईस्ट वेस्ट डिफरेंस कितना है नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड किलोमीटर क्लियर होगी बात ये ला अब हम लॉन्गीट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें लॉन्गीट्यूडनली ये ट्वेंटी फाइव ईस्ट से स्टार्ट होकर वन सेवेंटी वेस्ट पे ख़त्म होता है मैंने फिर से बता रही हूँ आपको कि ये लैटिट्यूडनल लाइन है बेटा और ये लॉन्गीट्यूडनल लाइन है ठीक है और हर दो लॉन्गीड के बीच में फोर मिनट का डिफरेंस होता है हर दो लॉन्गी के बीच में कितने का डिफरेंस होता है फोर मिनट का डिफरेंस है तो आप समझ लो कि कितना टाइम डिफरेंस आ जाता होगा पूरे एशिया में क्योंकि एशिया ट्वेंटी फाइव ईस्ट से चालू है और वन सेवेंटी वेस्ट पे ख़त्म है तो मैं पहले तो आपको लॉन्गीट्यूडनल इसकी एक्सटेंड बताती हूँ मतलब टोटल कितने लॉन्गीट्यूड ये कवर करता है तो ये करता है वन फोर्टी कवर अभी वन में आप फोर का मल्टीप्लाई कर दो इतने मिनट का डिफरेंस आ जाएगा एशिया के एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट में आ रही है बात समझ में मैंने जब आपको लॉन्गिट्यूड बताया था तभी बताया था कि लॉन्गीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन किससे है टाइम से टू लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस कितने का होता है फोर मिनट का तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस कितना है देखो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री कहाँ तक जाना है वन सेवेंटी तक जाना है और हर लॉन्गिट्यूड में कितने का डिफरेंस लेके चलना है फोर मिनट का इसीलिए लिए हमारे एशिया में एनिटोलिया प्लेट्यू मतलब जो एशिया माइनर में है एनिटोलियन प्लेट्यू वहाँ से लेकर के पैसिफिक कोस्ट तक जो डिफरेंस आता है वो कितने घंटे का हो जाता है ग्यारह घंटे का एक कॉन्टिनेंट है एशिया पर एक कॉन्टिनेंट के एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक का जो डिफरेंस है टाइम में वो कितने का आ रहा है ग्यारह घंटे का आ रहा है समझ में आ गई बात एनीटोलियन प्लाट्यू जो एशिया माइनर में है वेस्ट में वहाँ से लेकर के अगर आपको पैसिफिक कोस्ट ईस्ट तक जाना होगा तो कितने घंटे लग जाएंगे ग्यारह चलो ये बात तो समझ में आ गई होगी और नहीं आई होगी तो बेटा एक बार ही सेक्शन में लिखना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर एक वीडियो बना देंगे चलो यहाँ पर फोर्टी एट इंडिपेंडेंट कंट्री है हमारे एशिया में कितनी कंट्रीज हैं अड़तालीस फोर्टी एट जिनका साइज बहुत बड़ा भी है और कुछ का साइज बहुत छोटा है रशिया चाइना इंडिया जाइंट जिनका साइज बहुत बड़ा है है ना फिर अगर हम सिंगापुर, मालदीव्स बहरीन की बात करें तो इनका साइज बहुत छोटा है अच्छा बेटा अगर हम पॉलिटिकली देखें तो पॉलिटिकली जो रशिया है ये किसका पार्ट होता है बेटा यूरोप का पार्ट होता है ठीक है चलो तो भाई रशिया चाइना इंडिया जैसी बड़ी कंट्री भी एशिया में है वहीं पर सिंगापुर मालदीव्स बहरान जैसी छोटी कंट्रियाँ भी हैं कुछ कंट्री हैं जैसे जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है और ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम क्या कहते हैं आर्की पेलेगो वॉट डू मीन बाय आर्की पेलेगो ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो एशिया में ग्रुप ऑफ आइलैंड में फेमस तो आने जापान, फिलीपींस इंडोनेशिया के बाद बहुत सारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन्हें इंडिपेंडेंस आज़ादी कब मिली वर्ल्ड वॉर टू के बाद वर्ल्ड वॉर वर्ट टू 1939 में चालू हुआ करने वाले थे हिटलर ख़त्म हुआ 1945 में और इसके बाद बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ को आज़ादी मिली ठीक है वेतनाम है लाओस है कम्बोडिया है इंडिया है इन सब को आज़ादी कब मिली बेटा नाइनटीन के बाद और इंडियन पेनिनसुला तो आज़ादी के बाद दो भागों में बट गया 1947 में इंडियन पेनरसला एक पार्ट रह गया इंडिया दूसरा पाकिस्तान और हमें तो ये बोलना चाहिए कि अब तो तीन पार्ट हो गए इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश चलो 1991 में यूएसएसआर भी टूट जाता है बेटा और बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स यूएसएसआर से निकलते हैं यूएसएसआर अलाय था आर किसने बनाया था रशिया ने बनाया था जिसमें बहुत सारी कंट्री थी पर 1991 में ड्यू टू अनसर्टेन सर्टिन यूएसएसआर टूटा ठीक है और बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बन गई जिसमें से कुछ आज यूरोप की हैं और कुछ एशिया की कंट्रीज हैं चलो तो एक ग्लाइंस में अगर हम देखें एशिया को तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ट्वेंटी फाइव ईस्ट से वन सेवेंटी वेस्ट वाइडेस्ट डिस्टेंस नॉर्थ साउथ है इसका मतलब ऐसे नॉर्थ साउथ डिस्टेंस है इनका एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी और ईस्ट वेस्ट डिफरेंस ऐसा वाला डिफरेंस है नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड कोस्ट लाइन अगर पूरे एशिया की कोस्ट लाइन की बात करें तो ये है वन लैक 29,077 किलोमीटर की कितनी कंट्रीज़ हैं 48 एट अड़तालीस सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है रशिया सबसे छोटी कंट्री कौन सी है मालदीव सबसे ज़्यादा इंडस्ट्राइज कंट्री है जापान हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट रशिया एशिया का है माउंट एवरेस्ट जो कि है एट थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी मीटर्स और ये तो पूरे वर्ल्ड का ही हाईएस्ट पॉइंट है बेटा माउंट एवरेस्ट जो आठ हज़ार आठ सौ पचास मीटर की ऊंचाई पर है ये सिर्फ एशिया की ही सबसे ऊँची चोटी नहीं है बेटा जबकि पूरे विश्व की है हाइस्ट प्लेटियो प्लाटी ऑफ तिब्बत जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है लोएस्ट पॉइंट डेड सी है जो सी लेवल से 400 मीटर नीचे डीपेस्ट पॉइंट साउथ चाइना सी डीपेस्ट लेक सबसे गहरी लेक लेक बेकाल सबसे लंबा स्ट्रेट स्ट्रेट ऑफ मलक्का अब हम देखेंगे सबसे ठंडी जगह है एशिया की तो वो है वर्कोयांस कहाँ पर है रशिया में जहाँ पर टेम्परेचर माइनस सेवेंटी तक जाता है वो हमें सबसे गर्म प्ले गर्म जगह है तो वो है दस्ते लुत ठीक है जो ईरान में है अब हम रीजनल डिविजन्स की बात करेंगे तो जो कंट्रीज़ हैं इस लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की उन्हें ग्रुप किया गया है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ साउथ एशियन कंट्रीज़ और कंट्रीज तो ऑफ़ वेस्ट एशिया इस तरीके से इन्हें कैटेगराइज़ किया गया भैया कुछ कंट्रीज़ को हम ईस्ट एशियन बोलते हैं कुछ को नॉर्थ एशियन बोलते हैं किसे सेंट्रल एशियन बोलते हैं किसे साउथ ईस्ट एशियन बोलते हैं ठीक है जो कंट्रीज़ हैं एशिया की उन्हें हमने डिवाइड किया डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन पहले हम ईस्ट एशिया को पढ़ेंगे ठीक है जो ईस्टर्न पार्ट है एशिया का उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ है जैसे चाइना नॉर्थ साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया चाइना जापान ताइवान मंगोलिया ये ईस्ट एशिया बनाती है ये जो रीज़न है ये बहुत वाइड वेजिटेशन का है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत सारे फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है क्यों ख़त्म किया जा रहा है बिकॉज ऑफ़ इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर लैंड में फॉरेस्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है ईस्ट एशिया में वर्ल्ड की बिजिएस्ट सिटीज़ हैं जैसे टोक्यो बीजिंग संघाई हॉन्गकॉन्ग ठीक है और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है वन पॉइंट सिक्स बिलियन ठीक है तो बिजिएस्ट सिटीज़ जो हैं एशिया की वो ईस्ट एशिया में ही हैं या पूरे वर्ल्ड की भी बोल सकते हैं हम वर्ल्ड की बोल दो आप तो पूरी दुनिया की एशिया की तो हैं बेटा पूरी दुनिया की भी सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट सिटी हैं टोक्यो बीजिंग संगाई हांगकांग इनकी पॉपुलेशन लगभग वन पॉइंट सिक्स बिलियन है आ, बेटा ये जो पॉपुलेशन है ये पूरे ईस्ट एशिया की बताई गई है ठीक है कहाँ की ईस्ट एशिया बेटा अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ एशिया को जो नॉर्थ एशिया है उसमें एशियन पार्ट आता है रशिया का जिसके अंदर साइबेरिया और रशियन का ईस्ट आता है जो नॉर्थ एशिया है उसे डिवाइड किया जाता है एक लंबे माउंटेन द्वारा जिसका नाम है यूराल माउंटेन नॉर्थ एशिया डिवाइड <coughs> कौन करता है बेटा यूराल माउंटेन जिसकी डायरेक्शन क्या है नॉर्थ साउथ ठीक है जो वेस्टर्न पार्ट है रशिया का वो कहाँ पर है बेटा वेस्ट में किसके यूराल माउंटेन के पर जो लार्जर पार्ट है जिसमें साइबेरिया आता है वो कहाँ पर है ईस्ट में इट्स लोकेशन इन द सब आर्टिक रीजन <coughs> मेक्स विंटर लॉन्ग एंड सीवियर अब बेटा अगर मैं नॉर्थ एशिया की बात करूँ तो ये सब आर्कटिक रीजन में और सब आर्कटिक रीजन में होने के कारण यहाँ पर समर जो होती है गर्मियाँ होती हैं जो बहुत कम टाइम के लिए होती हैं और कूल होती हैं जो ठंडियाँ होती हैं बहुत लंबे टाइम के लिए होती हैं और बहुत सीवियर होती हैं मेरी बात सुनो <coughs> एशिया की अब हम नॉर्थ पार्ट की बात करें तो नॉर्थ पार्ट कमें आ जाता है सब आर्टिक रीज़न में अब आप आर्कटिक रीज़न में हायर लेटिट्यूड पर जैसे ही जाते हो टेम्परेचर आपको बहुत ठंडा मिलता है तो वहाँ पर ठंडियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं लंबी भी होती हैं पर जो गर्मियाँ होती हैं वो शॉर्ट होती हैं कूल होती हैं जो एक्सट्रीम विंटर कंडीशन होती है वो इस रीज़न को स्पारशली पॉपुलेटेड बना देती है इतनी ठंड में कौन जाके रहेगा तो यहाँ पर पॉपुलेशन सिर्फ थर्टी मिलियन लोगों की ही है अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कजाकिस्तान उबे उज़्बेकिस्तान किर्गिस्तान कजाकिस्तान उज़ेबेकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान ये जो रीज़न है ये कैस्पियन सी से बॉर्डर करता हुआ चलता है कहाँ तक पहुँचता है वेस्टर्न चाइना तक पहुँचता है ठीक है जो सिक्सटी परसेंट सेंट्रल एशिया है उसमें तो डेजर्ट ही है अकेला बाकी का जो फोर्टी परसेंट है उसमें ग्रासलैंड है तो अगर हम पढ़ें सेंट्रल एशिया को तो सेंट्रल एशिया का सिक्सटी परसेंट क्या है डेज़र्ट है और फोर्टी परसेंट क्या है ग्रास लैंडस हैं ठीक है इट हैज़ द अल्ताय माउंटेन इन द ईस्ट ईस्ट में अलताए माउंटेन है जो बेसिकली किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में आता है यहाँ पर दो मेन रिवर्स हैं सेंट्रल एशिया में अमू दरिया और सर दरिया ये जो रिवर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिवर्स नहीं है और ये रीज़न बहुत ज़्यादा ड्राई है इस वजह से रिवर्स की बढ़ जाती है मोस्ट ऑफ द ईयर तो ये ड्राई ही रहता है जो सेंट्रल एशिया वहाँ की पॉपुलेशन है सिक्सटी सेवन पॉइंट थ्री मिलियन नाउ साउथ ईस्ट एशिया तो जो साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज आती हैं उन्हें दो डिफरेंट सेक्शन में बांटा गया है एक नदन पार्ट और दूसरा सदन पार्ट तो नदन पार्ट में जो कंट्रीज आती हैं वो हैं वियतनाम लाह कंबोडिया थाईलैंड म्यांमार ठीक है जिसे हम पहले बर्मा कहते थे जो सदर्न पार्ट में जो कंट्रीज आती हैं जैन एंड कंट्रीज़ हैं उनके नाम है मलेशिया सिंगापुर ब्रूनी इंडोनेशिया ईस्ट तैमूर फिलपाइंस ठीक है बात अब जो ईस्ट एशिया है इज़ बाउंडेड बाय इंडियन ओशन ऑन द वेस्ट वेस्ट में इसे इंडियन ओशन बाउंड कर देता है पैसिफिक ओशन इसे ईस्ट में बाउंड कर देता है इस रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें बहुत देखने को मिलते हैं बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है घने जंगल हैं तो अब सी बात है कि वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा होगी पॉपुलेशन कितनी है 1823 मिलियन क्लियर है नाउ साउथ एशिया अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पर सदर्न एशियन कंट्रीज मिलेंगे का कौन सी भाई इंडिया पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका भूटान मालदीव बांग्लादेश ये जो रीजन है यहाँ पर वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन रहती है वन फिफ्थ ठीक कोई बात जो कि है वन पॉइंट एट बिलियन क्लियर है वन पॉइंट फोर तो अकेले हमारे इंडिया में ही रहती है ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है पूरे वर्ल्ड का इसे नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन बाउंड करते हैं ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी ठीक है साउथ में इंडियन ओशन जो साउथ एशिया है वहाँ पर भी हमें नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी वैराइटीज़ देखने को मिलती हैं क्या क्लियर हुई बात जो साउथ एशिया है उसमें कौन कौन से कंट्रीज आती हैं इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान मालदीव बांग्लादेश यहाँ पर वन फेक्ट पॉपुलेशन रहती है पूरे वर्ल्ड की जो कि है वन पॉइंट एट बिलियन इसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का है इंडिया की पॉपुलेशन वन पॉइंट फोर मोर देन वन पॉइंट फोर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है नॉर्थ में हिमालय है ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है वेस्ट में अरेबियन सी है साउथ में इंडियन ओशन है वराइटी ऑफ नेचुरल फीचर्स हैं तो बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी हैं अब हम वेस्ट एशिया की बात करेंगे तो वेस्ट एशिया को वेस्टर्न एशिया भी कहते हैं जिसमें आर्मेनिया यू यूनाइटेड अरब अमीरात, येमेन, अजरबैजान बहरान लेबनन, ओमान सिप्रस सीरिया टर्की जॉर्जिया ईरान इसराइल जॉर्डन कुवैत कतार सऊदी अरेबिया है अब बेटा इस रीज़न की पॉपुलेशन की बात करें तो वो सिर्फ़ है टू फिफ्टी सेवन पॉइंट टू थ्री मिलियन ये जो रीज़न है बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है क्यों क्योंकि जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है इनहॉस्पिटेबल है तो ज़्यादा लोग यहाँ पर रह ही नहीं पाते हैं अब बेटा मेजर कंट्रीज़ है और कैपिटल है तो इसमें मेरे पढ़ाने का तो कुछ बनता ही नहीं है वैसे भी ये चैप्टर पूरा फैक्चुअल है तो मेरे समझाने जैसा तो कुछ है ही नहीं अफ़ग़ानिस्तान की काबुल है आर्मेनिया की एयरवन है अजरबैज़ान की बाकू है तो ये सब आप पढ़ लेना मैं अब सीधे पार्ट टू स्टार्ट करूँगी किससे फिज़िकल फीचर्स से ठीक है